भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की मूर्ति का भव्य कार्यक्रम में हुआ अनावरण। 24 दिसंबर को संस्कार थानी जबलपुर में अटल स्मृति समिति द्वारा भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के देहावसान के बाद से ही उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि के कार्यक्रम अनवरत आयोजित करते आ रहे हैं। जबलपुर के अलावा ग्वालियर और भोपाल में भी श्रद्धेय अटल जी की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विगत वर्ष हमने अटल जी का जन्मदिन उनके जन्म स्थान ग्वालियर स्थित शिंदे की छावनी में उनके निवास पर जाकर मनाया था। इस वर्ष अटल जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समिति ने यह संकल्प लिया था कि इस वर्ष आने वाले अटल जी को जन्मतिथि पर कार्यक्रम चित्र के समक्ष नहीं वरन मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया था। आज शनिवार दिनांक 24 दिसंबर 2022 शनिवार को अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई। अटल जी की मूर्ति के अनावरण भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ जबलपुर की सबसे वरिष्ठ और पूर्व सांसद माता जी श्रीमती जयश्री बनर्जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक और समस्त कार्यकर्ता भी मौजूद। मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम विजयनगर एकता चौक के पास शिव पार्क में दिनांक 24 दिसंबर 2022 शनिवार को दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष विधायक अजय विश्रोई, विधायक अशोक रोहाड़ी, पूर्व महापौर प्रभात साहू, सचिव राजकुमार जायसवाल, श्याम सिंह ठाकुर, मुकेश पटेल, विशाल सुरेखा, संजू ठाकुर की उपस्थिति और सहयोग सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में जबलपुर संस्कार थानी एवं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पंडित पंकज पटेरिया को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अटल स्मृति समिति और पंडित धीरज पटेरिया का महत्वपूर्ण योगदान था। अटल जी की पुण्य स्मृति में आज पटना का मैं धीरज पटेरिया जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ। एक गैर राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रम की रचना के लिए ये अनुकरणीय और अभिनंदनीय प्रयास है। शताब्दियों में कोई व्यक्ति पैदा होता है, वो ही अटल बिहारी वाजपेयी होता है। ऐसा दूरदर्शी, संकल्प का धनी, अनवरत जीवन भर संघर्ष करने के बावजूद भी सदैव सदन के भीतर और सदन के बाहर मर्यादाओं का पालन करना और एक ऐसा रास्ता बनाना जिस पर हर कोई चलने पर गर्व महसूस करता हो, उस महापुरुष का नाम सदैव अटल बिहारी वाजपेयी है। एक और बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा कि आज के दिन मेरे प्रिय मित्र स्वर्गीय पंकज पटेरिया जी का जन्मदिन है। वो भी एक पत्रकार थे, अटल जी भी पत्रकार थे। इस स्मृति को अमर बनाने का जो यति संयोग बनाया, इस बात के लिए भी बहुत आभार। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10-20% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबेन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।